ये कहानी नमन की है जो रामपुर नाम के गांव में रहा करता है। नमन रोज शाम को जुहू बीच पर सैर करने जाता था। एक दिन नमन शाम को अपने कान में ईयरफोन लगाए हुए घूम रहा था और अपने आप में गाना गाते हुए जा रहा था। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया है। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। तभी उसे ऊपर चांद से एक तेज रोशनी दिखाई देती है और थोड़ी देर बाद उसे वही रोशनी उसके सामने खड़ी हुई दिखाई देती है। असल में वो एक लड़की होती है। नमन उससे पूछता है, हेलो मैडम, आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं लगी? मैम आप ठीक तो हैं? आपने कैप्टन मार्वल से ट्रेनिंग ली है क्या जो आप हवा में उड़ के मेरे सामने आ गई? नहीं, मैं चंद्रमा हूँ। ऊपर देखो, आज पूर्णिमा के दिन चांद नहीं दिख रहा। नमन ऊपर देखता है तो उसे चांद नजर नहीं आता। वो हैरानी से उस लड़की से पूछता है, अच्छा तो तुम पृथ्वी पर कैसे आई? क्या आपका कोई नाम भी है? मैं गलती से पृथ्वी पर आ गई हूँ और 48 घंटे बाद ही चांद बनकर ऊपर जा पाऊंगी। वैसे आप मुझे पूर्णिमा कह सकते हैं। अच्छा, तो आप 48 घंटे तक मेरे पास रुक जाएं? आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपके साथ ही चलती हूँ क्योंकि मैं ज्यादा देर लड़की के रूप में नहीं रह सकती। नमन पूर्णिमा को अपने साथ ले जाता है और रात होते ही पूर्णिमा चांद के रूप में बदल जाती है, मगर उनको कोई देख रहा होता है। उसकी दो लाल लाल आंखें अंधेरे में दिखाई देती हैं। और फिर 40 घंटे बाद नमन पूर्णिमा से कहता है, चलो पूर्णिमा, हम आज उसी बीच पर घूमने चलते हैं। वैसे भी थोड़ी देर बाद आप चांद बन के वापस चली जाएंगी। चलो फिर चलते हैं। दोनों बीच में पहुंच जाते हैं। तभी दोनों को सामने से एक बाबा दिखते हैं और उन दोनों को बुलाते हैं। देखो पूर्णिमा, तुम्हें ये बाबा बुला रहे हैं। चलो चलते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पूर्णिमा है। लो, मैं तुम्हारे लिए ये नीलम का हार लाया हूँ। नहीं बाबा, मैं कीमती हार नहीं ले सकती। रख लो बाबा, तुम्हें इतना प्यार से दे रहे हैं। पूर्णिमा जैसे ही वो हार अपने गले में पहनती है, वो अपने असली रूप में आ जाती है। और तभी वो बाबा भी अपने असली रूप में आ जाता है। असल में वो एक भूतिया काला बंदर के रूप में, और वो काला बंदर एक मंत्र पढ़ता है और पूर्णिमा गायब हो जाती है। फिर नमन भूतिया काला बंदर से कहता है, तुमने पूर्णिमा को कहाँ गायब कर दिया? जवाब दो। मैं कल पूनम की रात में पूर्णिमा की बलि देकर अमर हो जाऊंगा। तुम पूर्णिमा को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। ले, आखिरी बार पूर्णिमा से मिल ले। तभी एक गोले के अंदर पूर्णिमा सामने आ जाती है। नमन प्लीज मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेगा और अगर मैं यही धरती के पास रहूंगी तो पृथ्वी भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। अरे मूर्ख, छोड़ दे इसे, मैं तुझे मार डालूंगा। तभी बंदर उसको हवा में उड़ा देता है और भूतिया बंदर गायब हो जाता है। नमन अब पूर्णिमा के बिना उदास रहने लगा था। फिर वो एक मंदिर में जाता है और भगवान से मन्नतें मांगने लगता है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी वजह से उस बंदर ने चांद को चोरी कर लिया। नमन की बात सुनकर मंदिर के पुजारी आ जाते हैं। क्या हुआ बच्चे, क्यों रो रहे हो? पूरी कहानी पुजारी जी को बता देता हूँ। नमन पूरी कहानी पुजारी को बता देते हैं। अगर तुम कुछ ठान लो तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है नमन, जिस बीच में तुम घूम रहे थे उसके पास समुद्र में एक मंदिर है, उसमें एक पवित्र जल की एक बोतल है। नमन बीच में ही पंडित जी की बात को काटते हुए बोलता है, तो मैं अभी जा रहा हूँ उस पवित्र जल को लेने। रुको, क्या हुआ पंडित जी? उस पवित्र जल की रक्षा एक दानव करता है, वो तुमसे एक पहेली पूछेगा, अगर तुमने उत्तर दिया तो ठीक, नहीं तो वो दानव तुम्हारी जान ले लेगा। जी पंडित जी। लेकिन इतनी बात याद रखना कि आज रात 12 बजे से पहले तुम्हें ये जल लेना होगा। नमन तुरंत पवित्र जल लेने चला जाता है। नमन किसी तरह उस मंदिर को ढूंढ लेता है और दानव के पास चला जाता है। क्या करने आए हो इधर, अपनी मौत के पास? मैं इधर उस पवित्र जल को लेने आया हूँ। तो ठीक है, मेरी पहेली का जवाब दो। ठीक है,
तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो काला बंदर। तभी वो राक्षस नमन का गला पकड़ लेता है। अब नमन जल्दी जल्दी उत्तर सोचने लगता है। मुझे पता है, मेरे अंदर का डर। तभी वो दानव कहता है, नमन जाओ, वो जल ले जाओ। नमन पवित्र जल दानव के पास से ले लेता है। पुजारी जी, मैं जल ले आया। दे दो मुझे। नमन पुजारी को जल दे देता है। पुजारी जी कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं, तभी वो बंदर वहाँ प्रकट हो जाता है और पंडित जी से कहता है, पुजारी तेरी ये हिम्मत मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मैं तुझे आखिरी मौका देता हूँ, पूर्णिमा को छोड़ दे, वो इस संसार की चंद्रमा है। जा, नहीं छोड़ूंगा, क्या कर लेगा मेरा। पुजारी जी वो पवित्र जल उस बंदर के ऊपर फेंक देते हैं और वो जल कर राख हो जाता है। तभी पूर्णिमा सामने आ जाती है और अपने चांद वाले रूप में कहती है, शुक्रिया पंडित जी और नमन, आपने मेरी इतनी मदद की। नहीं, आप तो पृथ्वी के चांद हो, आपको बचाना हमारा फर्ज था। फिर पूर्णिमा हवा में उड़कर दोबारा से आसमान में तारों के बीच चमकने लगती है।